अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉकेट। आज आपके लिए इस गाड़ी का रिव्यू लेके हैं। ये कार्डिलैक एस्केलेड है, इस पेट्रोल हाइब्रिड इंजन के साथ मौजूद है। आज आपको इस गाड़ी की फुल डिटेल देंगे। सबसे पहले इसकी फ्रंट लुक की तरफ आते हैं, तो आप इसकी फ्रंट लुक देख सकते हैं, काफ़ी हाइपर लुक है इसकी। इसकी लाइट की तरफ आते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं प्रोजेक्टर का यूज़ किया गया, जो कि 7 प्रोजेक्टर्स हैं। इसका मतलब कि इसकी जो लाइट है उसकी क्वालिटी बहुत आने वाली है। अभी आप देख सकते हैं कार्डिलैक का आपको यहाँ पर लोगो मिलेगा। फ्रेंड इसकी ग्रिल की तरफ आते हैं तो कार्डिलैक का लोगो आप देख सकते हैं, और इस तरह से मैं कुछ लुक दिखा देता हूँ। तो ये है कुछ इसकी साइड प्रोफाइल, कार्डिलैक एस्केलेड। और ये है भाई इसकी बेस्ट चीज़, जो कि 22 इंच के अलॉय व्हील्स हैं। अगर हम टायर प्रोफाइल की बात कर चलें तो 285 45 आर 22, ये इसकी टायर प्रोफाइल है। और इसमें जनरल के टायर यूज़ किए गए, जो कि आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन मुझे काफ़ी पसंद आया, 22 इंच अलॉय व्हील्स। और यहाँ पर हाइब्रिड की बैजिंग है, ये गाड़ी हाइब्रिड है। इसका मतलब कि आपको जो एवरेज है, क्योंकि ये गाड़ी उस तरह की एवरेज नहीं प्रोवाइड करती जिस तरह की प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि भाई ये फुल टाइम आप कह सकते हैं 4x4 और सारे आपको इसमें ऑप्शन मिलने वाले हैं। तो इसमें एवरेज जो काफ़ी कम होती है इन गाड़ियों की, अराउंड 2 से 3-4 एवरेज होती है। लेकिन ये क्योंकि हाईवेड है तो आपको एवरेज इसमें अच्छी मिलने वाली है। आगे चल के एवरेज के बारे में बताएंगे। यहाँ पर आ जाएँ तो आप देख सकते हैं एस्केलेड की बैजिंग दी गई है। ओआरवीएम पे आएँ तो आप देख सकते हैं डुअल टोन के साथ हैं। बॉडी कलर के साथ साथ आपको क्रोम की फिनिश दी गई है। इसके डोर की तरफ आते हैं तो आप देख सकते हैं क्रोम डोर हैंडल्स दिए गए, और काफ़ी बड़े साइज़ के डोर हैंडल्स हैं, और लाइनिंग क्रोम की, जो काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड कर रही है। बैक पे 22 इंच अलॉय व्हील्स। और मिरर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं सारी मिरर्स इसकी प्राइवेसी ग्लास में है। चलें इसके बैक लुक की तरफ आते हैं और देख सकते हैं आप, ये कुछ इसकी बैक लुक, जो कि काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड कर रही है। सबसे पहले इसकी रूफ़ की तरफ आएँ तो ऊपर आप देखते हैं रूफ रेल्स मौजूद हैं। बैक पे आपको LED स्टॉप लैंप मिलेगा, जो कि काफ़ी बड़े साइज़ का है। बैक स्क्रीन में डिफॉगर मौजूद है, बैक पे वाइपर दिया गया है। और यहाँ पे आ जाएं तो आप देख सकते हैं कार्डिलैक एस्केलेड की बैजिंग, और काफ़ी बड़े साइज़ का ट्रंक है, अभी आपको ओपन करके भी दिखाएंगे। और यहाँ पे आ जाएं तो हाइब्रिड एस्केलेड की बैजिंग है यहाँ पे, और ये पैलेटिनियम, जो कि इसका वेरिएंट है। बाकी आप बैक से लुक देख सकते हैं, काफ़ी हाइपर लुक है बैक से। बैक पे पार्किंग सेंसर मौजूद हैं। अब इसकी लाइट की बात है, जो कि आप देख सकते हैं वर्टिकल एंगल में और फुल LED में मौजूद है, और काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड कर रही है बैक से इसको। इस साइड से भी आपको इसकी लुक दिखा देता हूँ, और ये आप देख सकते हैं इस साइड से इसकी कुछ फुल लुक। या ये जो अलॉय व्हील्स है ना, ये इसकी लुक को बहुत ज़्यादा एनहेंस कर रहे हैं, और काफ़ी वाइड टायर्स हैं। 285 प्रोफाइल है इसकी। चलें इसका बैक डोर ओपन कर लेते हैं, और ये आप देख सकते हैं कुछ इसके बैक डोर की लुक। सबसे पहले यहाँ पर आ जाएँ तो आप देख सकते हैं ऊपर आपको पूरा यह लेदर दिया गया, जो कि अच्छा कॉम्बिनेशन दे रहा है। और यहाँ पे स्टिचिंग में मौजूद है, जो कि काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड कर रही है। डोर हैंडल क्रोम में मौजूद हैं, पावर विंडो। और यहाँ पे आ जाएं तो बेज लेदर दिया गया, वो भी स्टिचिंग के साथ। नीचे स्पीकर मौजूद है, क्रोम रिंग है साइड पर। डुअल टोन में इसका डोर, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड कर रहा है। और ये है कुछ इसकी ब्राउन लेदर अपहोल्स्ट्री, इसमें भी कार्डिलैक की बैजिंग दी गई है। बैक पे 3 सीट बेल्ट मौजूद हैं। उसके साथ साथ सेंटर में आ जाएं तो आप आर्मरेस्ट देख सकते हैं, 2 अदद कप होल्डर्स के साथ 2 हेडरेस्ट दिए गए हैं। और बैक पे भी आपको सीट्स मिल जाएंगी, जो कि अभी क्लोज हुई हुई हैं। और यहाँ पे आ जाएं तो आप देख सकते हैं बैक इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसको पीछे वाले पैसेंजर्स आराम से ईजिली यूज़ कर सकते हैं। उनके लिए भी अलहदा से आपको स्क्रीन दी गई हैं बैक पैसेंजर्स के लिए। बेसिकली ये होती है 2 सीटर, ये सेंटर में आर्मरेस्ट आती है, 2 बंदे बैक पे आराम से बैठ सकते हैं। वैसे बैठने में तो 4 भी बैठ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी वाइड सीट्स हैं। और यहाँ पे आपको सेटिंग भी दी गई है, आप अपनी मर्जी से मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं। पैलेटिनियम की सिल्क प्लेट, और बैक पे आप देख सकते हैं पॉकेट्स भी मौजूद हैं। और बैक पे भी आपको सारे AC के रिलेटेड कंट्रोल मिल जाएंगे। बैक पैसेंजर भी अपनी मर्जी से सारा अपने AC को कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम आ जाएँ, ये आप देख सकते हैं ये स्क्रीन बाहर आ जाएगी। इस तरह कुछ जो थर्ड रो में बैठे हुए हैं वो भी स्क्रीन को एंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रंट पे भी स्क्रीन मौजूद है, बैक पैसेंजर्स के लिए भी है, और जो थर्ड रो में बैठे हुए हैं उनके लिए भी यहाँ पे स्क्रीन दी गई है, वो इसीलिए बैठ के देख सकते हैं। और पैरासोनिक की स्क्रीन है, और आप इसे एंड्रॉइड वेंट भी कह सकते हैं। और AC वेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं रूफ पे दिए गए, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। हर पैसेंजर बैठा हुआ उसको अलहदा से अच्छे तरीके से सारी एयर पहुँच सके। और फ्रंट डोर की तरफ आते हैं तो ये है कुछ इसके फ्रंट डोर की लुक, जो कि काफ़ी वाइड डोर है। सबसे पहले ऊपर बात करें तो उसी तरह आपको ब्राउन दिया गया है। यहाँ पे आ जाएं, डोर ओपनर, और ये पावर विंडो, डोर लॉक अनलॉक का बटन है। नीचे स्पीकर, उसके साथ साथ फाइल होल्डर देख सकते हैं, बॉटल होल्डर,
और ये आप देख सकते हैं कुछ इसके डैशबोर्ड की लुक जो कि काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड कर रही है। ये गाड़ी लेफ्ट हैंड ड्राइव के साथ है और सीट्स की बात करें तो काफ़ी सॉफ्ट एंड कम्फर्टेबल सीट्स हैं। बाकी इसके इंटीरियर में बैठेंगे तब आपको बाकी डिटेल बताएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडजस्टमेंट में मौजूद है इलेक्ट्रॉनिकली, कार्डिलैक की सील ब्लेड है। चलें इसके डोर को बंद करते हैं और इसके ओआरवीएम की तरफ आएँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साइड टर्न सिग्नल मौजूद है और हाइब्रिड की बैजिंग, स्क्लेट की बैजिंग। मुझे आप कमेंट में जरूर बताइएगा आपको इसकी लुक कैसी लगी। चलें हम इसका बोनट बंद करते हैं और आपको इसका इंजन दिखा देते हैं। और व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये है इसका 6000cc V8 पेट्रोल हाइब्रिड इंजन जो कि 332 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। उसके साथ साथ अगर हम टॉर्क की बात करें तो ये 367 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। बाकी आप ये स्टार्ट करते हैं, भाई स्टार्ट कीजिएगा, आपको इसके पावर भी दिखा देते हैं और आप देख सकते हैं इंजन को। ये 6000cc पेट्रोल इंजन है, पावर एंड टॉर्क भी आपको बता दिया मैंने, काफ़ी पावरफुल गाड़ी है। और बहुत शुक्रिया भाई आपने हमारे लिए बोनेट को होल्ड किया। चलें अब बोनेट को बंद कर देते हैं, बाकी बात अब इसके इंटीरियर में चलते हैं और वहाँ जाके आपको इस गाड़ी की बाकी की इन्फॉर्मेशन बताते हैं। चलें बाद अब इस गाड़ी के इंटीरियर में चलते हैं और आपको वहाँ जाके इस गाड़ी की बाकी की इन्फॉर्मेशन देते हैं। अंदर बैठ जाते हैं और आप देख सकते हैं ये है कुछ इसके डैशबोर्ड की लुक। सबसे पहले इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ आते हैं जो कि यार बहुत ही अलग लुक प्रोवाइड कर रहा है। 6000 RPM है, 160 की टॉप स्पीड है जो कि जाहिर सी बात है इससे ऊपर ही जाएगी। बाकी फ्यूल गेज है, हीट इंडिकेशन है और सेंटर में स्क्रीन दी गई है जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। और स्टेयरिंग व्हील की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं इसका स्टेयरिंग व्हील पावर स्टेयरिंग व्हील है और मल्टीफंक्शनल है, सारे कंट्रोल मिल जाएंगे। वॉइस कमांड है, कॉल पिक डिक्लाइन के सारे ऑप्शंस हैं और इस तरह आपको क्रूज कंट्रोल के रिलेटेड सारे कंट्रोल मिल जाएंगे। और यहाँ पे हम आ जाएँ तो इसके 4x4 के रिलेटेड सारे कंट्रोल्स हैं, उसके साथ साथ हेडलाइट के रिलेटेड सारे कंट्रोल्स हैं। ए सी वेंट्स आप देख सकते हैं और ये साइड पर जो क्रोम की फिनिश दी गई है यार बहुत ही अलग लुक प्रोवाइड कर रही है। उसके साथ साथ वुडन ट्रिम दी गई है साइड पे। और डैशबोर्ड की बात करूँ तो वो भी डुअल टोन के साथ है, तो ऊपर ब्राउन दिया गया, उसके साथ साथ नीचे आपको बेज कॉम्बिनेशन दिया गया। और सेंटर में जो आप देख सकते हैं आपको वुडन ट्रिम दी गई, काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पर क्लॉक दी गई है, उसके साथ साथ एसी वेंट देख सकते हैं क्रोम फिनिश के साथ। और ये इसका एंड्रॉयड यूनिट है और यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल्स ऐसे मिलेंगे जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं होगा क्योंकि इन गाड़ियों के कम ही रिव्यूज़ करता हूँ। बाकी यहाँ पे अगर आ जाए पार्किंग सेंसर, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह दिए गए हैं और ये इसके महाल में एसी के रिलेटेड सारे कंट्रोल्स हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके ऊपर DVD नेविगेशन सारी चीज़ें हैं। इसको अगर हम ओपन करें तो आप देख सकते हैं सिगनल लाइटर और यहाँ पर आपको एस्ट्रे मिल जाएगी। और इसको हम ओपन करते हैं बटन से तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कप होल्डर दिए गए हैं। इसको बंद कर देते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे मोबाइल आ सकता है भाई आपका और काफ़ी बड़े साइज़ का आप देख सकते हैं। इसमें ग्लव बॉक्स मौजूद है और ये कुछ इसकी स्पेस है इस तरह ओपन हुई है। और सीट की बात करें तो सीट काफ़ी मुझे अच्छी लगी, काफ़ी सॉफ्ट एंड कम्फर्टेबल सीट है। और इसको ओपन कर लेते हैं तो भाई इसमें सनरूफ भी मौजूद है, मतलब आप कह सकते हैं टॉप ऑफ लाइन गाड़ी है और टॉप ऑफ लाइन इसके फीचर्स हैं। जो आपको आजकल की गाड़ियों में मिलता है वो 2010 मॉडल में इसमें सारी चीज़ें मौजूद थी क्योंकि ये एक लग्जरी आप कह सकते हैं SUV है। इधर आ जाएं तो आप देख सकते हैं सनशेड में वेंट में दिया गया लाइट के साथ और सनरूफ के रिलेटेड कंट्रोल्स हैं, लाइट्स दी गई हैं ऊपर और एयरबैग वगैरह पैसेंजर एयरबैग की सारी सेटिंग वगैरह है। यहाँ पे इस तरफ आ जाएँ तो इस तरफ भी आपको सनशेड में वेंट मिल जाएगा लाइट के साथ। इसको बंद कर देते हैं। बाकी आप देख सकते हैं इसमें आपको बॉस का साउंड सिस्टम मिलेगा जो कि आप देख भी सकते हैं। बाकी महल में स्पीकर यहाँ पे भी दिया गया है, ट्यूटर वगैरह डोर पे मौजूद है, स्पीकर्स मौजूद हैं। बाकी मुझे तो ये SUV बहुत ही अलग लगी है भाई, 6000cc इंजन है, मतलब पावर तो टॉप ऑफ द लाइन होने वाली है इसमें। उसके साथ साथ V8 8 सिलेंडर गाड़ी है भाई तो पावर तो अनलिमिटेड होगी, 4x4 है, आप इसे कहीं भी लेके जा सकते हैं। उसके साथ साथ सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं और प्रॉपर आप इसे कह सकते हैं ये 7-सीटर है और पीछे अगर 8 बंदे ही बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं क्योंकि भाई स्पेस तो काफ़ी ज़्यादा है इस गाड़ी में। बाकी वाइपर के रिलेटेड कंट्रोल्स हैं इस तरफ और यहाँ पर आप इसके गेयर के रिलेटेड सारे देख सकते हैं, गेयर वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में है गाड़ी। बाकी मुझे तो काफ़ी पसंद आई है, बाकी मुझे आप कमेंट्स में बताइएगा आपको ये गाड़ी कैसी लगी। अगर पसंद आई है तो भाई आप बाय करना चाहेंगे नहीं, जिनकी रेंज है वो बाय कर भी सकते हैं क्योंकि भाई इसकी प्राइस भी टॉप एंड लेवल होने वाली है। बाकी मुझे तो गाड़ी को बहुत अच्छी लगी है, बाकी मुझे आप कमेंट्स में बताइएगा आपको ये गाड़ी कैसी लगी है। और अगर आप बाय करना चाहते हैं तो मैं आपको डिटेल भी बता देता हूँ, ठीक है। और नहीं बाय करना चाहते तो भाई वीडियो को देख के लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चले वैसे इसका ट्रंक ओपन करते हैं और आपको इसका इंजन ही दिखाते हैं। यहाँ पे बटन की मदद से आप वन टच करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा जो कि आप देख सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं प्रॉपर ये 7-सीटर है और बैक सीट भी आप फोल्ड करके अपना लगेज के लिए आप स्पेस बढ़ा सकते हैं। बाकी आप अंदर से देख सकते हैं सारी स्पेस वगैरह।
काफ़ी अच्छी स्पेस मौजूद है इसमें। यहाँ पे भी आपको स्केलेट प्लेटिनियम की बैजिंग मिलेगी। चलें अब इसके ट्रंक को बंद कर देते हैं। यहाँ पे बटन आप देख सकते हैं और ये इस तरह कुछ क्लोज हो जाएगा इसका ट्रंक। चलिए वो हमजा भाई से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम हमजा भाई, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। हमजा भाई, मुझे इस गाड़ी की डिटेल बताइए, कौन सी गाड़ी है ये और क्या डिटेल है इसकी? जी बिलाल भाई, ये कैडिलैक का मॉडल है, एस्केलेड है, 2010 मॉडल है ये भाई जी। ये 6000 cc से सही हो गया और ये प्लेटिनियम मॉडल में। ठीक है, और प्राइस की बात की जाए, क्या प्राइस है इसकी? इसकी प्राइस भाई जी 145 डिमांड कर रहे हैं, 1,45,00,000। 1,45,00,000 रुपए इसकी डिमांड है। यहाँ पे जरा आपने डिटेल बताइएगा अपने शोरूम के बारे में थोड़ी। जी मेरा शोरूम G8 मरकज में लैंड एंड कार्स के नाम से। सही हो गया, और थोड़ी डिटेल बताइएगा एड्रेस कहाँ पे आए बेसिकली? जी ये G8 मरकज नियर PSO पंप। ठीक हो गया, नियर PSO पंप के साथ ही है इनका शोरूम। व्यूअर्स, अगर आप यहाँ विजिट करना चाहते हैं तो आप इजीली विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा और भी कार्स हैं, इंशाल्लाह वो भी कवर करेंगे हम आपके लिए। चलें आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफ़िज़।